नमस्ते, मैं वासुदेव गायकवाड़ पंढरपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं हमारा आम का बगीचा है। मैं फुकावोका जी के डू नथिंग फार्मिंग के मेथड से पूरी मेरी खेती चलती है। ये अभी जो ये प्लॉट हम देख रहे हैं, ये 5 साल का 5 साल पूरे हो गए हैं इसको। अभी छठा साल शुरू हो गया है। इस यहाँ की ज़मीन पे पिछले 10 सालों से बिना जुताई, बिना निंदाई गुड़ाई, बिना रसायन और बिना स्प्रेइंग के चल रहा है। अभी हम इस प्लॉट में बाहर से खाली जनवरी टू में ये छः महीने में ही इरिगेशन वाटर देते हैं। बाकी जून से अभी दिसंबर के एंड तक तो पानी भी बारिश का ही रहता है खाली। आगे चलकर इस प्लॉट में हमें ये 6 महीने का पानी जो देने के व्यवस्था है, ज़रूरत पड़ती है, वो भी बंद करने का हमारा विचार है। क्योंकि फुकावोका जी ने कहा था कि ज़मीन के नीचे का पानी देना यानी को अपने ज़मीन को रेगिस्तान बनाने जैसा है। ज़मीन के नीचे का पानी जब हम बाहर से इरिगेशन करते हैं तो थोड़ी सी क्वालिटी भी खराब, ये आम की क्वालिटी भी उतनी सबसे बढ़िया नहीं आती और उस पर कीड़ और रोग का प्रकोप भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये 7 एकड़ का प्लॉट है। इसमें रो टू रो डिस्टेंस 16 फीट है और पेड टू पेड 5 फीट है। इसी के कारण 1 एकड़ में 500 के आसपास 1 एकड़ में पेड़ होते हैं। अभी पिछले साल हमारा ये कमर्शियल सेकंड ईयर क्रॉप था। पहले साल यानी ये पेड़ की आयु जब 4 साल की थी तब हमारा 8 एकड़ का भी ये प्लॉट है पूरा। यहाँ 7 है और आगे चलकर 1 एकड़ का है। तो ये 8 एकड़ में से पहले साल 5 टन यील्ड आया था। अभी इस साल में पहला कमर्शियल क्रॉप रहा तो 20 टन था। इस प्लॉट में 7 एकड़ में 14 टन आया था। ये पूरी तरह से कुदरती फार्मिंग है और ये कुदरती फार्मिंग होने के कारण इस आम की जो क्वालिटी आती है वो सबसे बढ़िया आती है। मेरा तो दावा ऐसा है कि शायद ही कोई ऐसा बगीचा, कमर्शियल बगीचा रहा होगा कि जिसमें कुछ भी केमिकल्स या कुछ भी रसायन यूज़ नहीं किए हुए होते। क्योंकि हम इसमें कुछ भी गोबर खाद भी नहीं यूज़ करते अभी हम। और ये पूरा सिस्टम स्वयंपूर्ण, स्वयंपोषी, स्वयं विकासी ऐसा हो गया है। इस बगीचे के लिए कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये रहता है कि आम की जो क्वालिटी रहती है, उसका जो स्वाद रहता है वो सबसे बढ़िया रहता है। मेरे एक कस्टमर ने इस साल बता दिया कि उसकी उम्र 65 ईयर्स की है कि मेरे अपनी ज़िंदगी में इतना स्वादिष्ट आम कभी नहीं खाया। ऐसे ही बहुत लोगों ने हमें बताया। इस आम का हम खुद मार्केटिंग करते हैं पृथ्वी नेचुरल्स नाम के ब्रांड से। और हमारी सोच यह है कि हम अच्छा खाना खाएंगे और सबको भी अच्छा खिलाएंगे। अमृत ही कहते हैं हम इसे, जिसके कारण हमें बीमार नहीं हो जाएंगे ऐसा नहीं, तो हमें इतना स्वास्थ्य होगा कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम अभी देख सकते हैं ये जो जमी है इसको पिछले 10 साल में कभी हल नहीं चलाया, ना निंदाई गुड़ाई की है। अब पेड़ देखते हैं किस तरह से चल रहा है काम। चलो आगे चलते हैं। कोई भी बाहरी इनपुट्स बिना यूज़ किए ही इतनी अच्छी इसका कामकाज चल रहा है, आप देख सकते हैं। हम इसमें खाली हार्वेस्टिंग और ये जो बाकी जो पेड़ आते हैं उनको कट करने के लिए आते हैं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं ये दीमक का टीला दिख रहा है। ये दीमक हम
सोचते हैं कि ये किसान का शत्रु है, लेकिन जब जहाँ जो प्रदेश ऐसे रहते हैं कि जहाँ बारिश कम रहती है, वहाँ सॉइल फर्टिलिटी की बढ़ाने का काम ये दीमक करता है। दीमक ये हमारे पूरे खेत में 30 एकड़ में हर एकड़ में एक कम से कम एक तो ऐसा टीला है ही है। ये हमारा और एक मैंगो का प्लॉट है, ये 1 एकड़ का प्लॉट है, ये उससे ज़्यादा इसमें प्लांटेशन है, इसमें 1000 पौधे हैं, 7.5x5 फीट इसका अंतर है, और इस साल इसमें 6 टन, ये 1000 पेड़ में से 6 टन यील्ड निकला है। ऐसी इस तरह टोटल मैंगो का यील्ड 8 एकड़ में हमें 20 टन आया है। अब यहाँ देख सकते हैं ये पपीता भी है, ये एक ही पेड़ से इतना हो गया है, इसके भी 4 साल उम्र हो गए और इतना अच्छी तरह से हर साल यील्ड देता है। और पपीता भी पूरा नेचुरल तरीके से पैदा होता है, ये हमारा अनुभव है। इसकी टेस्ट भी इतनी अच्छी होती है कि बहुत ही बढ़िया रहती है। अभी हम यहाँ देख सकते हैं यह हल्दी भी है, हल्दी भी पूरा नेचुरल तरीके से, कोई भी केमिकल्स बिना यूज़ किए आ सकता है, यह हमारा खुद का अनुभव है। यह अभी हमारा 2 एकड़ का मैंगो का न्यू प्लांटेशन है, पिछले साल जनवरी में इसका प्लांटेशन किया है, अभी ये 7 महीने के हो गए हैं। इसमें 2 वैरायटी है, एक अल्फांसो जिसको हम हापुस भी बोलते हैं, और दूसरा है वो केसर का जंबो केसर है। ये अभी 7 महीने का प्लॉट है। अब हम इसमें देख सकते हैं हमने इसमें प्याज भी लगाया हुआ है, और ये प्याज हमारे घर के कंजम्पशन के लिए हम लगाते हैं। इसका भी डिस्टेंस 16x16 फीट बाय 5 फीट है, और ये बीच में जो लाइन रखी है 8 फुट है, इसके लिए हमने गौ माता के लिए चारे के लिए यहाँ गन्ना और आगे उसको घास बोलते हैं उस तरह का खाना उसका खाने के लिए लगाया है। अभी ये आम बड़ा होने में 4 साल तो लगेंगे, तो 4 साल तक ये हमारे गौ माता के लिए खाना भी दे देगा बीच में से। ये अभी बाजू वाले 3 लाइन्स हैं जिसमें हमने जितने भी वैरायटी के पेड़ फ्रूट्स के मिलते हैं वो सभी लगाए हैं। अभी ये अंजीर है, इसको फिग कहते हैं हम, ये है, बाकी वो पीछे कितने पेड़ लगाए हैं कि बहुत से के नाम में हमको पता नहीं, अभी याद नहीं, क्योंकि उसका कोई यील्ड नहीं आया, लेकिन उसमें बादाम लगाया है, अखरोट लगाया है, ये चेरी प्लांट है। ये बैंगन है, ये मिर्च है, यहाँ ये भिंडी भी है, आगे यहाँ हमने ग्रेप्स भी लगाए हैं। ये ग्रेप्स भी लगाए हैं, हमारा पुराना अनुभव कि ग्रेप्स 100% ऑर्गेनिक परिस्थिति में नहीं पैदा होते, क्योंकि वो हमारे यहाँ के नहीं है, फिर भी हम अभी ट्राई कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। ये सब विविध नए पेड़ लगाने का सोच इसके पीछे ऐसे है कि आगे कोई नया पर्याय भी किसान के लिए या हमारे रीजन के लिए जो कुछ पे फल के पौधे अच्छे आ सकते वो हम ढूंढ सकें, इसलिए हम इस 3 लाइन में सब नया नया जितना भी पेड़ मिलता है वो हम प्लांटेशन कर रहे हैं। ये गाय के चारे के वास्ते लगाया हुआ मक्के का प्लॉट है। अभी हम पिछले 2 साल से क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो हमारे ये मक्के पे इतना इल्ली का प्रकोप रहता है कि इसको वेरी डेंजरस इंसेक्टसाइड यूज़ किए बिना ये आता ही नहीं, कोराजिन वगैरह ऐसा बहुत बहुत महंगे और
हाईली टॉक्सिक केमिकल्स इंसेक्टसाइड यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अभी हमारा ये प्लॉट दूसरी बार है। पिछले 6 महीने पहले यही था, और अभी यह है कि ये मक्का हमारा बिना स्प्रेइंग भी आ रहा है। उसमें थोड़ा सा इल्ली का प्रकोप रहता है, लेकिन वो नेचुरली कंट्रोल होता है। कुछ पंछी खाते होंगे या ये प्लांट उसको रेजिस्ट करता होगा, लेकिन बिना अभी जब 100% जगहों पे ये बिना स्प्रेइंग इंसेक्टसाइड नहीं आ रहा है, फिर भी हमारा ये प्लॉट अच्छी तरह से आ रहा है। ये जवार है, हमें खाने के लिए जवार भी मिलेगा, और ये हमारे गौ माता के लिए उसका फॉडर भी हो जाएगा। ये हमारी लौकी की बेल है। जनरली हम 1 साल के बाद इसको फिर लगाते हैं, लेकिन हमें ये पूरे 2 साल का है। ये बारिश के मौसम में फिर से फल लेता है। ये हमारा सीताफल का 5 एकड़ का प्लॉट है। इसमें से डिस्टेंस 8 फुट बाय 4 फुट है, तो 1 एकड़ में 1350 प्लांट बैठते हैं। अभी पिछले साल इसमें 5 टन 15 एकड़ पूरा है प्लॉट, 15 एकड़ में 5 टन यील्ड आया था। इस साल हमें इसमें एक्सपेक्टेशन तो अभी 30 टन के हैं, क्योंकि इसमें पूरे प्लॉट में इस प्लॉट में 6,000, आगे जो 10 एकड़ का प्लॉट है उसमें 8,000, ऐसे 14,000 पेड़ है। हर पेड़ पे 2-2.5 किलो भी सीताफल निकल आता है, तो 30 टन तक आ जाएगा। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि इस बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये सेकंड जो सेटिंग है वो इस तरह से ख़राब हो रहा है, लेकिन आगे जाके तो फिर कितना यील्ड आता है अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कोई भी उसके लिए प्रबंधन नहीं करते, ये ऐसा ना हो, क्योंकि हम मानते हैं कि कुदरत ही ईश्वर है, उसको और बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी वही है, उसको मालूम है कि इस ज़मीन के लिए, इस पेड़ के लिए सबसे अच्छा क्या है। क्योंकि हर पेड़ का मकसद तो ज़्यादा से ज़्यादा फल देने का होता है, क्योंकि उसको उसकी प्रजाति बढ़ानी है, उसके बीज ज़्यादा बिखरने के लिए वो पेड़ फल देता है, वो हमारे खाने के लिए नहीं, हम खा के उसको उसकी बीज यही वही हमारे पक्षी पंछियों के वास्ते वो इधर उधर बिखर के उधर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आ जाएंगे नहीं, इस वास्ते ये पेड़ पैदा फल देता है। इसलिए जो भी कुछ आता है वो हम ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको ले लेते हैं। ये हमारा अगला सीताफल का 10 एकड़ का प्लॉट है। इसमें डिस्टेंस 10 फीट बाय 5 फीट है, 1 एकड़ में 800 पेड़ बैठते हैं, और इसमें आपको बहुत से नीम के पेड़ भी दिख रहे हैं। ये नीम के पेड़ क्यों लगाए हैं, ऐसा हमने लगाए नहीं है, फिर भी ये हमारे पूरे 30 एकड़ में जो हमारा सीताफल है, जो हमारा आम है, छोड़ के बाकी जितने भी पेड़ है वो अपने आप नेचुरली आए हैं, उगाए हैं। और हम किसी भी वनस्पति का हमारे यहाँ पैदा होना ईश्वर की देन समझ के हम उसको रखते हैं। जब वो कभी हमारे कामकाज के लिए उसका कुछ प्रॉब्लम रहता है तो हम उसको कट करके वही रख देते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। अभी ये प्लॉट ऐसा है कि पिछले 25 साल में पहले इसमें अरहर था, फिर केला था, फिर उसमें गन्ना था, ये और बाद में 10 साल इसमें ग्रेप्स थे, अंगूर थे। तो ये अभी पूरे 25 साल में इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है वो पूरा के पूरा यही को हमने रिसाइकल किया है। ये अंगूर के जो स्टेम्स रहते हैं अंगूर निकालने के बाद, वो भी हमने उसको कट करके इसमें डाला है, इसलिए ज़मीन इतनी उपजाऊ हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा आम का बगीचा, ये सीताफल का बगीचा, इसमें कोई भी केमिकल्स यूज़ किए नहीं किया है, लेकिन इसके पत्ते का कलर देखो, उसमें कोई कहीं भी किसी की भी डिफिशेंसी की बात नहीं आती। लेकिन यहाँ हमें पहुँचने के लिए 10 साल लगे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, इतने साल जनरली इतना साल नेचर नहीं लेता। लेकिन हमने जब पहले अंगूर की खेती करते थे
तब अंगूर और अनार की खेती करते थे, तब इतने केमिकल्स इस प्लॉट में यूज़ हुए हैं कि उसको नलीफाई होने में हमें 10 साल लगे। अगर आपकी लैंड अच्छी है, वर्जिन है, आपने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, तो दूसरे 3-4 साल में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जो हम पहले उत्पाद ज़्यादा लेने के लिए या वही एक मार्ग है खेती करने का, ऐसा सोच के जो हमने इसमें केमिकल्स का यूज़ किया था, वो केमिकल्स के यूज़ के कारण इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है। अभी ये नीम, ये इतने खरपतवार, ये क्यों हैं यहाँ? तो खेती यानी हार्वेस्टिंग द सन। ये पृथ्वी पे जो कोई एनर्जी है वो कायम है, उसमें ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है, उसका खाली इस एनर्जी से उस एनर्जी में रूपांतरण होता है। जैसे कि हम हवा का, विंड एनर्जी का रूपांतरण इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर सकते हैं, पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो फिर भी ये जो सजीव सृष्टि का जो सृजन हो रहा है वो खाली ये सोलर एनर्जी का कन्वर्शन फोटोसिंथेसिस से ये पौधे खरपतवार दूसरे एनर्जी में करते हैं, और वो एनर्जी फिर हम खाते हैं, गाय खाती है, बकरे खाते हैं, इस सब में वो अपने रूप में सोलर एनर्जी है। हम जब बचपन में जब हम जन्म पैदा होते हैं उस वक्त का हमारा वजन, और हम जब मरते बूढ़े होते हैं तब तक का हमारा 100 किलो जी, और हमारे हम मरने के बाद जब हमारा हमको जलाया जाएगा तो जितना राख नीचे हो बचेगा वही सिर्फ ज़मीन में लिया हुआ है। बाकी जो एनर्जी हमारा पूरा जीवन व्यापित हुआ, मरते वक्त जलते वक्त जो एनर्जी बाहर इमिट हुई वो पूरा सोलर एनर्जी का है। तो हमारे दाभोलकर, श्रीपाद दाभोलकर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो बोलते थे कि हार्वेस्टिंग द सन, खेती यानी पूरा सिर्फ हार्वेस्टिंग द सन। तो हमारे रीजन में ये 12,000 फुट कैंडल सूरज की रोशनी रहती है, हमारे सीताफल को 4,000 फुट कैंडल लगती है। तो ये ऊपर का नीम का पेड़ 4,000 फुट कैंडल लेगा, वो अपना कुछ बायोमास बनाएगा, सीताफल फल लेगा, बायोमास बनाएगा, ये खरपतवार 4,000 फुट कैंडल लेगे, और ये जब 12,000 फुट कैंडल से जब सब जो पूरा बायोमास बनता है उसमें से हम खाली जो हमें बेचना है, अगर बेचना ही बोले तो सीताफल या आम नीम की निम्बोलिया, तो बाकी सब रिसाइकल यही होगा। और ये जब ये सब ऑर्गेनिक मैटर जब रिसाइकल होगा 3-4 साल 10 साल, तो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 4 आ जाएगा, और ऐसे 4 कार्बन हो जाएगा तब ये खाली बरसात के पानी पे ही हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट क्वांटिटी का यील्ड दे देगा। पिछले साल 2020 से मई 2020 से हमने इसका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था वो बंद कर दिया है। अभी ये पिछले साल इस साल खाली बारिश के पानी पे चल रहा है। अभी हम इसको कह सकते हैं स्वयंपूर्ण, यानी खुद का पोषण, किसी की ज़रूरत नहीं है उसके, स्वयंपूर्ण किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना पाल पोष सकता है, स्वयंपोषी यानी खुद का पोषण कर सकता है, और स्वयं विकासी यानी इसका विकास भी अपने आप हो जाएगा। इस तरह से ये बगीचा बना हुआ है। इस साल हमने इसमें ये बरसात के पानी के साथ ही यह हल्दी भी लगाई है। देखेंगे अब क्या होता है, किस तरह से ये हल्दी हमें पैदावार देती है, इससे हमारे इनकम में और एक एडिशनल सोर्स बढ़ जाएगा। एक चंदन का पेड़ है, यह हमारे कुएं के पास है। देखिए आप इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसके पत्ते का साइज देखिए, उसके हरापन देखिए, ये सब नेचर की कमाल है। नेचर यही ये भगवान है, ऐसा जो कहावत है गांधी जी कहा करते थे वही सच्चा है कि नेचर इतना कुछ हमें दे रहा है, लेकिन हम ही ऐसे बदनसीब है कि उसको उसका वो देना हम नहीं पहचान सकते। अभी ऊपर देख सकते हैं उसमें बीज भी लगे हैं, वो बीज पंछी खाएंगे और जगह जगह उसका प्रसार करेंगे। यह हमारा 5 एकड़ का प्लॉट है जिसमें कुदरत ने खुद जंगल बनाया है, और इस जंगल में हमें अभी एक 400 चंदन के पेड़ हैं। चंदन कभी खाली जगह
नहीं उगता, वो जंगल में होता है, क्योंकि वो पैरासाइट है, उसको नीम की वगैरह ज़रूरत रहती है उसके साथ में। और इसमें अभी नेचुरली 400 पेड़ है, अभी हमने लगाए नहीं, लेकिन वो नेचुरली खुद हमारे यहाँ जो भी पहले थोड़े से पेड़ है उसके बीच पक्षी खाते हैं और वो उसका प्लांटेशन करते हैं। अभी ये चंदन का ही पेड़ है, अभी ये इसमें गिलोय का बेल है, लेकिन इसके नीचे आप देख सकते हैं ये चंदन ये है। देखिए ये चंदन का ही पेड़ है, अभी ये गिलोय के कारण नहीं दिख रहा है। ऐसे इस प्लॉट में 400 पेड़ है। पिछले साल हमने इसमें चंदन के बीज भी डाले थे, लेकिन एक भी पेड़ पौधा उसमें नहीं उगा, क्योंकि वो पक्षी पंछी के खाने के बाद ही अच्छी तरह से उगता है, लेकिन हमारे आदमी के प्रयास से हमें तो नहीं आया। और इसमें जितने भी जो भी है ये नीम के पेड़ वगैरह ये सब कुदरत ने खुद उगाए हैं, हमने कुछ भी नहीं, खाली इसमें कुछ पहले ये अंगूर का बगीचा था, अब उसमें तो अंगूर ख़त्म ख़राब होने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसमें अभी सब पेड़ उग रहे हैं। और ये चंदन हर पूरे खेत में हम देख रहे हैं कि हर साल कम से कम 50 तो पेड़ चंदन के नए अपने आप उगते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये तीन चंदन के पेड़ हैं, एक ये दूसरा ये तीसरा, ये प्रकृति ने खुद लगाए हैं, हमने इसमें कुछ भी इंटरवेंशन नहीं किया। अभी पिछले साल एक नया पौधा आया है, वो गया है, हम दिखाते हैं अभी ये पेड़। देखिए ये चंदन का पिछले साल अपने आप प्लांट किया, नेचर ने प्लांट किया हुआ चंदन का पौधा है। नीम के बगल में चंदन का और एक पेड़, ये भी है और एक नीम का पेड़ है, नीम का नहीं चंदन का, नीम के साथ चंदन का पेड़ है। ये 5 साल का चंदन का पेड़ है, 5 साल में इसकी इतनी ग्रोथ हो गई है, अगले 5-10 साल में ये फिर बहुत बढ़िया होगा। और इसका इसके जो बीज हर साल इसको बीज आते हैं वो पंछी खाते हैं, और वो पंछी खाने के बाद उसका वृक्षारोपण पूरे खेत में होता रहता है, हम उसको खाली सम उसको कुछ बढ़ने देते हैं, यही हमारा काम है, अपने आप नेचर हमें पैसा भेज रहा है। यह हमारा कुआ है, अभी सितंबर आज 13 तारीख है, इससे पहले अभी इस साल में 500 मिलीमीटर बारिश हो गई है, अभी ये ज़मीन के समतल पानी इसमें आ गया है। पहले जब ये अक्टूबर एंड के बाद ही ऐसा पानी की सिचुएशन रहती थी, लेकिन अभी पिछले 10 साल से जो जीरो टिलेज, बिना जुताई, बिना निंदाई गुड़ाई, बिना रसायन, बिना केमिकल्स जो हमारा काम चल रहा है, उसके कारण नेचर ने ये सिस्टम पूरे अपने हाथ में लिया है, तो हर बूंद जो हमारे खेत में गिरती है वो ज़मीन में समा जाती है। हम तो ऐसा कहते हैं कि हमने हर स्क्वायर सेंटीमीटर पे एक डैम खड़ा किया है जो वर्षा की पूरा पानी अपने ज़मीन में सोख लेती है। और वर्षा की जो दूसरी बात होती है कि वर्षा अपने साथ मिट्टी के कण को भी बहा ले जाती है, वो ये पूरा फुकाव का मेथड होने के कारण हमारे यहाँ से कोई भी मिट्टी नहीं बहने जाती, बही जाती। और हमने देखा है जो भी अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा भी पानी हो गया तो वो पानी इतना फिल्टर के पानी जैसा स्वच्छ पानी बहता है, उसमें थोड़ी भी मिट्टी नहीं रहती है। तो हम फुकावका जी कहते थे फार्मिंग ये सिर्फ फसलें निकालना नहीं है, तो आपकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी बढ़ती है, उसका टेक्सचर बढ़ता है, तो उसके साथ आदमी का आध्यात्मिक उन्नयन होता है, ये हम अभी देख रहे हैं। वो फुकावका जी कहते थे कि भगवान को अगर पाना है तो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कोई रास्ता है तो नेचुरल फार्मिंग है, ये भी हम अभी अनुभव करते हैं। हम हमारी ज़रूरतों को नेचर के
हिसाब से रखते हैं, इसलिए हमारी ज़रूरतें बहुत कम है। और ज़रूरतें कम होने के कारण हम कहते रहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत ही कम है। जितना नेचर ने आदमी के लिए दिया है उसी में हमारा गुजारा बहुत अच्छा होता है।